अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम लोग इस वक्त कराची फिशरी में मौजूद हैं। ये फरीद भाई हैं, फिश कटिंग के एक्सपर्ट। फरीद भाई, कौन सा मच्छी है? कक्कड़। ये मिक्स मछली इनके पास पड़ी हुई है। इसके अंदर धंधिया भी है, जलेबी भी है, ये सोल भी है। फिश कटिंग का कितना पैसा होता है फरीद भाई? 20 रुपये किलो। आप दिन में कितना मच्छी काट लेते हो? 100-200 काट लेते हो? सही है। फिले वगैरह भी बनाना आता है आपको? फिले बोनलेस करना आता है? ये उस्ताद है, इस्लाम। इधर ताजा मछली का पहचान बताओ, जो वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को। मछली का पहचान होता है आप सफेद होते हैं। अच्छा, आप सफेद होते हैं, मछली चमकते हैं। अच्छा, लेस होता है। अच्छा, और ये लोग गलफड़े चेक कराते हैं, ये नहीं होता सही? ये गलफड़े में बर्फ का पानी से भी चला जाता है गलफड़ा। अच्छा, खत्म भी हो जाता है किसी को। बाकी गलफड़ा का कोई मतलब नहीं है, मछली का पहचान होना चाहिए। भाई, भाई का नाम क्या है? सलाम वालेकुम भाई। भाई आपका नाम? सईद भाई। सईद फिश कटिंग वाला, वो बराबर में भी सईद भाई बैठा हुआ है। या ये सब आप सब लोगों का उस्ताद कौन है? यूनुस कौन है? यूनुस का मैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अकरम एमबीबीएस। डॉक्टर मोहम्मद अकरम, माशाल्लाह। ये स्माइल है। वो सामने मुन्ना के अबू बैठते हैं, वो भी उनकी पीठ है। नहीं, वो नहीं है। मुन्ना के अबू कहाँ गए? वो भी नहीं है यार। ये कचरे का आप लोग क्या करते हो? ये हम लोग घर वाले को देते हो, ये मुर्गी का दाना बनते हैं। अच्छा, क्या क्या रेट में जाता है ये? 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो। अच्छा, सत्रह रुपए किलो। अच्छा, वीडियो चालू रखे या बंद करे? चालू। अच्छा बोलो, मेरे बात को इसमें रिकॉर्ड भी करो, सही है? रिकॉर्ड है। ये आप छोड़ेगा ना इसको? हाँ। तर मामा ऐसे ना हमारे लोग गाचरी करे इसमें ले। ये गैरक ऐसे ना आरोप करे दिया ला, हमारे बांदा गैरक आरोप करे दिया ला। हमी तर मामा रेडीजी गैरक, यही गैरक आरोप करे दिया ला। यहाँ खेल रहा है मारे तर मामा कान बुक होते अरे काम जाए। हम की हो रही हम जो कोई चीज दूला मेरे को गुरु पता कोई चीज। अच्छा, हो क्या बोला? पागल है। अभी हमारा मोहल्ले वाला, हाँ, इनके साथ उस दिन मुंह बराबर किया था। अभी आपका माल बढ़ा रहा है भाई, भाई बोला उधर दे दो। अच्छा, उधर दे दो। अच्छा 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 ही बोला ना। अच्छा ही कुछ है ना, कोई नहीं तो सूख जाए।